महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी बिसात पर खेलने को तैयार रहते हैं और फिर इसमें माहिर भी। 83 साल उम्र है, 64 साल के राजनीति में कई ऐसे निर्णय फैसले लिए हैं, कई निर्णायक फैसले लिए हैं जिसने सबको चौंका दिया, चाहे वो खुद का इस्तीफा क्यों ना हो। कई ऐसे फैसले हैं जिसने पक्ष और विपक्ष दोनों को हैरान कर दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार एक बार फिर से ऐसे बयान दिए हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने क्या बयान दिया है पहले आपको ये बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि महाराष्ट्र के राजनीति के लिए शरद पवार कितना इंपॉर्टेंट है। शरद पवार ने इस बार कहा है कि भले ही मेरी उम्र 84 साल है लेकिन ये बुढ़ा आदमी रुकने वाला नहीं। ये बुढ़ा आदमी उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। उनका यह इशारा शायद एनसीपी को तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले भतीजे अजीत पवार की तरफ था और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। शरद पवार ने एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक वाक्य सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ युवा लड़के हाथों में वोट को लेकर खड़े हुए थे। लड़कों का इशारा इस तरफ था कि शरद पवार अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। इसी को लेकर शरद पवार ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 60 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 14 बार चुनाव लड़ा और 7 बार लोकसभा चुनाव में भी उतरा। पवार ने यह भी कहा कि अपने लोगों की सेवा में मैंने एक भी छुट्टी आज तक 14 साल में नहीं ली है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहन को बारामती में भी थी लेकिन वहां पर भी उनके सामने चुनाव लड़ा गया। शरद पवार ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान किसके हाथों में रहनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी प्लटवार किया और कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उड़ती हुई चिड़िया की पर गिन लेते हैं, उनको भी पता है कि महाराष्ट्र में क्या हकीकत है, वो महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक तरफ शरद पवार बयान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार बीते कुछ दिनों से महायुक्ति गठबंधन में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये बात साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। चाहे वो मुस्लिमों को 10% चुनाव में टिकट देने की बात हो जो बीजेपी से सीधे उलट है, या फिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ही बयान क्यों ना हो। वैसे शरद पवार को यूं ही नहीं कहा जाता कि वो बिसात बिछाने में माहिर है, न केवल खेलने में बल्कि धूल चटाने में भी उस्ताद माने जाते हैं शरद पवार। अब इनकी कहानी क्या है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि शरद पवार अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि कॉलेज में मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट लेकिन एक्टिव पॉलिटिशियन हूं। साल 1960 में 20 साल के शरद पवार ने कॉलेज से निकलते ही कांग्रेस पार्टी तब ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने 1967 में शरद पवार को बारामती विधानसभा से टिकट दिया था। 27 साल के पवार पहली बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बने और तब से आज तक विधानसभा की यह सीट पवार परिवार के पास ही है। 1967 से 1991 तक शरद पवार की यहां से विधायक रहे हैं और वही जीतते रहे हैं। इस बीच में उन्होंने 1984 में बारामती में लोकसभा चुनाव भी लड़ा और जीत भी मिली। 1991 में उपचुनाव लड़ा तब भी जीत मिली। पिछले 5 दशकों में शरद पवार 14 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस दौरान वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। शरद पवार की गिनती बेहद ही चालाक नेताओं में होती है और इसे उनके पहले मुख्यमंत्री बनने के किस्से से भी समझा जा सकता है कि वो कितना राजनीति में तेज है। हालांकि 1978 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी और तब कांग्रेस इंदिरा गांधी और कांग्रेस रेड्डी, हरिदेव जोशी और शरद पवार जैसे नेता कांग्रेस रेड्डी में ही रह गए और 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई
नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी गुट के बसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने और इस सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया। इस सरकार को महज 4 महीने ही हुए थे कि 12 जुलाई 1978 को शरद पवार ने मंत्री पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के पार्टी के समर्थन से सरकार चलाना सही नहीं लग रहा। कांग्रेस से निष्कासन के बाद ने तीन नेता मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन करे एनसीपी का गठन किए। 2004 में शरद पवार को मुंह का कैंसर हुआ और इसके बाद उन्होंने इलाज अस्पताल में कराया और अस्पताल में भर्ती के दौरान ही उन्होंने मीटिंग भी की। चुनाव की सारी रणनीति अस्पताल से ही तैयार किया। एनसीपी के बड़े नेता अस्पताल में ही बैठक बुलाते थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र की 9 सीटों पर जीत हासिल की। शरद पवार को मनमोहन सिंह कैबिनेट में कृषि मंत्री का पद मिला। 2019 की बात करें तो 2019 में अजीत पवार चाचा शरद पवार को धमकी देते हुए वो पार्टी छोड़ गए और 23 नवंबर 2019 की सुबह ये खबर आती है कि अजीत पवार 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार डेप्यूटी सीएम के शपथ ले लिए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये सरकार गिर गई। ठीक 1 महीने बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ एनसीपी से फिर से बगावत कर दी और इस बार उन्हें शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम का पद मिला है। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। साथ में 29 साल पहले बनी एनसीपी टूटने के कगार पर पहुंच गई। अजीत पवार ने 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया। साथ ही शरद पवार के गुट को एनसीपी शरद पवार नाम दिया गया, जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी है। इस तरह चाचा भतीजे के विवाद ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया और इन सब के बावजूद शरद पवार कहते हैं कि जल्द ही अजीत वापस लौटेंगे और एनसीपी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अब तक सिर्फ चर्चाएं हैं कि अजीत पवार एनसीपी में कब लौटेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो एमवीए मिलकर चुनावी मैदान में उतरी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली और एनडीए को सिर्फ 17 सीटें। इनमें बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीटें मिली। बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी 2024 के चुनाव में आधे से भी कम पर एनडीए रह गया। कहा तक यह भी जाता है कि शरद पवार कभी हारते नहीं है। जब वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत उनकी होती है और जब जीत पक्की ना हो तो वो चुनावी मैदान में उतरते नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वह उनके चुनावी कैरियर की एकमात्र हार थी। अब देखना यह होगा कि आखिर 288 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव में कौन कितना पानी में है और कौन जीतता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 और 2023 दोनों में शरद पवार बारिश में भीगते हुए भाषण दिए थे और उसके बाद वहां का समीकरण, महाराष्ट्र के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया गया था। इस तरह देखा जाए तो शरद पवार के लिए यह कहना आसान ही है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के मांझे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखना यह हुआ कि नवंबर में विधानसभा चुनाव में शरद पवार कितना एमबीए के लिए कारगर साबित होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।